एक्सरसाइज कितना है 1.4। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 वास्तविक संख्या का, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 0.7 शांत है या अशांत आवर्ती, शांत और अशांत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो शांत और अशांत इसमें जो हम लोग जो पढ़ेंगे, इसमें कोई भी परिमेय जो होता है, परिमेय संख्या के 0.7 शांत और अशांत कैसे होता है, ये हमें जानने के लिए जो है ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई भी परिमेय संख्या, सबसे पहले चीज है कि परिमेय संख्या जो है, लिखते चलिएगा आप लोग, परिमेय संख्या क्या होता है, लिखते चलिएगा। परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या यानी कि p बाय q के रूप में होता है ना, p बाय q के रूप में होता है, जहां q का जो मान होता है, q का मान 0 के बराबर नहीं होता, ठीक है ना। परिमेय संख्या p बाय q के रूप में होता है जहां q का मान जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। लेकिन कोई भी परिमेय संख्या है, इसमें हम लोग जानेंगे कि शांत और अशांत कैसे होता है। शांत परिमेय यानी कि शांत परिमेय जो होता है, परिमेय संख्या कौन शांत होगा, शांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती, ठीक है। तो शांत और अशांत पहचानने के तरीका क्या है, देखेंगे। परिमेय जो होता है p बाय q के रूप में, जैसे हो गया आपका 4/3, 6/10, 20/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अगर यही रह जाए, फिर ये भी लिख सकते हैं 0/3, ये भी आपको परिमेय में आ जाएंगे, 10/5, तो ये सब परिमेय है। लेकिन परिमेय कौन नहीं होता है, जिसके अंश में, जैसे कि भिन्न होता है ना, भिन्न, भिन्न मीन्स क्या होता है, अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है, देख लेंगे ध्यान से, देखते चलिएगा पहले, बाद में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। पहले ध्यान से देख लीजिए, बाद में लिखिएगा। भिन्न जो होता है अंश बटे हर होता है, या पी बाय क्यू के रूप में होता है, पी बाय क्यू के रूप में, ठीक है। पहले देख लेना है p by q के रूप में, और परिमेय जब शांत और अशांत, इसी परिमेय या इसी भिन्न को जब हम लोग शांत और अशांत के रूप में देखेंगे, किस रूप में, शांत और अशांत के रूप में, तो शांत और अशांत के रूप में, जैसे ही जो परिमेय संख्या होगी आपका, परिमेय संख्या, परिमेय का p by q होता है, तो q का जो अभाज्य गुणनफल होगा ना, q का अभाज्य गुणनफल, गुणनखंड, गुणनखंड ऊपर पावर का गुणनखंड ऊपर पावर n गुना ऊपर पावर m के रूप में होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर पावर m गुना ऊपर पावर सॉरी हाइपर पावर, लिख लीजिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, इसका अभाज्य गुणनखंड ये आना चाहिए, या दोनों में से, या दोनों में से देखेंगे कि शांत के लिए जो होता है शांत आवर्ती, आवर्ती के लिए परिमेय संख्या जो होता है,
परिमेय संख्या हर का अभाज्य गुणनफल, हर का अभाज्य गुणनफल हर किसको बोलेंगे, नीचे वाले q है ना, इसका गुणनखंड होना चाहिए 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, नीचे का गुणनखंड, या दोनों में सिर्फ एक रहे ये भी किसमें आ जाएगा, शांत में, किसमें आ जाएगा शांत में, अगर दोनों में सिर्फ ये रहे 2 पर पावर m तो ये भी शांत हो जाएगा, अगर दोनों में सिर्फ 5 पर पावर n रहे तो ये भी शांत होगा, लेकिन ये दोनों के अलावा कोई तीसरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, ये दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, जैसे कि देखेंगे ऐसा नहीं कि लिख दिए 2 पर पावर m, 5 पर पावर m और 3 पर पावर o कर दो, p कर दो, कुछ भी कर दो, तो ये नहीं आना चाहिए, या कुछ भी p कर दे वो आप लोग समझ लीजिएगा कि जीरो है, इसलिए o का है, तो इस रूप में ये परिमेय सॉरी शांत नहीं होगा, शांत के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होना चाहिए, जिसका गुणनखंड 2 और 5 में आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 और 5, जैसे कि देख लेंगे बीस बटे ले लिए 30 या 20 50 बटे ले लिए 25, ठीक है, तो नीचे वाला जो हर है ना, ये हर ये क्या है, हर यानी कि ये क्यों, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है 25 का, क्या आया 5 × 5 यानी कि 50 बटे 25 को लिख सकते हैं 5 × 5 यानी कि 50 बटे 5 पर पावर कितना हो गया 2, तो अभाज्य गुणनखंड कितना, इसका 5 के रूप में आया, किस रूप में आया 5, तो ये शांत तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब रही, अब अगर ऐसा रहे 20/4, ठीक है, तो 20/4 को अगर इसको तोड़ेंगे, जैसे 4 का तोड़ना 2 × 2 क्या हो गया, 20/4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, फिर 20/4 को 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं, तो क्या ये इसका अभाज्य गुणनखंड 2 के रूप में आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, बस समझे। अगर ऐसा रह जाए कि 50/20 कर दे, क्या कर दे 50/20, तो नीचे वाला 20 का गुणनखंड करना 2 से 10 बार में 2 से 5 बार, तो इसमें क्या आया 50/2 × 2 × 5, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 50/2 तो के पर 2 पर पावर कितना 2, फिर 5 के तो है 1 आया, ये दोनों के रूप में 2 और 5 के रूप में आया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत आवर, बस समझे, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा। अब देखना है अशांत के लिए, अशांत में अगर ये देख लिख दिया 50/12, तो 12 का क्या होगा, जैसे 50/12 है ना, तो 12 को तोड़ना है
दो दो छः दो तीन, ठीक है, ये कितना आ गया, दो गुना तीन, तो पचास बटे दो पर पावर कितना, तीन, सॉरी दो पर पावर दो, तीन कितने बार है, एक बार, तो क्या ये शांत होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ दो और पांच के अलावा कोई तीसरा आ गया जो कितना है, तीन, तो ये शांत नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, बस समझे, तो शांत और अशांत पहचानने का ये तरीका है। अब देखेंगे, जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज कितना है 1.4, 1.4, ठीक है, तो एक नंबर में क्या है 13/3125, ठीक है, 13/3125, आपको इसको करना क्या है, हर जो है नीचे वाला है ना, क्यू का जो मान है इसका तोड़ना है, गुणनखंड करना है, पांच से करेंगे कितने बार, छह बार में, दो बार में, पांच बार में, छह सौ, फिर पांच से 125 बार, फिर पांच से 25 बार, फिर पांच से पांच बार, बस समझे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 पांच कितने बार है, पांच बार, 13/5 पर पावर कितना, पांच। अब ऐसा नहीं कि पांच वाला ही रहे तो होगा, दो वाला यहां छिपा हुआ है, अच्छा इसको लिख सकते हैं गुना एक, अच्छा एक से कोई भी संख्या में किसी में भी गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, हाँ या ना बोलना, नहीं पड़ेगा, तो एक लिख सकते हैं, और एक चीज जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर अगर जीरो रहे तो वैल्यू क्या होता है, एक, दो, पांच पर पावर जीरो बराबर भी एक, दो पर पावर जीरो का भी मान एक होगा, यानी कि किसी भी संख्या पर पावर जीरो का मतलब क्या होता है, एक होता है, तो हम लिख सकते हैं कि एक एक बराबर दो पर पावर जीरो लिख सकते हैं, हाँ या ना बोलना, या लिख सकते हैं एक बराबर पांच पर पावर जीरो लिख सकते हैं कि नहीं, जब इतना बराबर इतना, इतना बराबर भी इतना होगा, इतना बराबर इतना, इतना बराबर भी इतना होगा कि नहीं, होगा या नहीं होगा, होगा, तो जहां एक है वहां लिख सकते हैं पांच पर पावर पांच गुना दो पर पावर जीरो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं दो पर पावर जीरो, दो वाले को आगे पांच पर पावर पांच, दो और पांच के गुणनखंड में आ गया, आया कि नहीं, तो दो और पांच के गुणनखंड में अगर आएगा तो समझ लेना वो क्या है, क्या है, शांत आवर्त, समझे बात, दो और पांच के, अब कोई बोल देगा कि नहीं ऐसा तो रूल नहीं है कि सिर्फ पांच वाला ही रहेगा नीचे, तो बोलना कि ये दो छिपा हुआ है, दो पर पावर जीरो छिपा हुआ, क्योंकि एक एक के बदले दो पर पावर जीरो लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका एक नंबर का, शांत होगा या अशांत, क्या होगा, शांत हो जाएगा, वैसे देखेंगे अगर ले लिए दूसरा नंबर कि 17/8 है, तो इसको लिख सकते हैं 17/8 दो पर पावर तीन, आठ को दो पर पावर तीन लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे तोड़ लेना है आपको, दो से चार बार में, दो से दो बार में कितने, दो तीन, तीन दो पर पावर तीन,
तो ये शांत होगा या अशांत? क्यों? क्योंकि यहां एक क्या है, एक छिपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं पांचवा पावर जीरो। तो ये क्या हो गया आपका शांत। बात समझे? फिर यहां देख लेना तीन नंबर का 64/455 है ना। तो हर का पूर्णांक 455 का ना, तो पांच से तोड़ते हैं तो 9 और 1। अब देख लो या 13 से 7 बार में या 7 से 13 बार में करते हैं, 7 से 13 बार में। तो ये शांत होगा या अशांत देखने के बाद क्या लग रहा है? 5, 7, 13 आ गया। क्या हो गई? क्योंकि 2 और 5 के अलावा और भी आ गया 7 और 13। ये क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। बात समझे? अगर ले लिए 4 नंबर आपका कितना 15/1600, ठीक है। अच्छा पहले इसको कटा सकते हैं, अगर कटे ना ऊपर नीचे कटा के देख लीजिए 5 से 3 बार में और 5 से 3, 2, 0 320 बार में। तो ऊपर कितना है 3/320। अब 320 का तोड़िए ना 2 से, फिर 2 से, कितने 2 आए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। 3, 2 पर पावर 6 और 5 पर पावर 1। तो ये शांत होगा या अशांत होगा? शांत। शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत। बात समझे? फिर इसका देखेंगे कितना है 5 नंबर 29/343 ना। चलिए 343 का तो तोड़ देते हैं, किससे लगेगा? 7 से 7 28 63 फिर 7 से 7 बार लो 29/7 पर पावर कितना 3। तो ये होगा क्या शांत? होगा क्या? इसके नीचे का गुणनखंड 2 और 5 तो नहीं है ना, तो होगा ये क्या हो जाएगा? आसान। क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है। अब देखना है 6 नंबर 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। हम देखने के बाद क्या लग रहा है, शांत या अशांत? क्या है? शांत होगा कि नहीं बोलना है। क्या है ये? शांत। ठीक है। फिर देखेंगे ये 7 नंबर 129/2 पर पावर 2 5 पर पावर 7 और 7 पर पावर 5 ये क्या है? क्या क्या आ गया है? तो क्या होगा? आसान। क्या हो जाएगा? आसान। क्या हो जाएगा? आसान। ठीक है। अब देखना है ये 8 नंबर ना, क्या है 6/15 ये क्या होना चाहिए? 6/15 को 3 × 5 लिख सकते हैं हा? तो किसमें आ गया 3 और 5 में, तो क्या होगा? अशांत होगा। अरे गधा इसको कटा के देखो तो क्या आया? आया। इसको लिख सकते हैं 1 × यानी कि 2/1 को 2 पर पावर 0 × 5 पर पावर 1
तो क्या होगा ये शांत होगा। तो देख लेना कटा के, ये नहीं कि तीन गुना पांच तो डायरेक्ट अशांत मत मार देना, अगर कट रहा क्या कर लेंगे इसको कटा देंगे। ये भी क्या हो गया आपका शांत है ना। फिर देखेंगे नौ नंबर, 35 बटे कितना है 50, 35 बटे 50 है। अब 50 को तोड़ देते हैं 2 से 25 बार में और 5 से 5 बार में 25 को, तो 35 बटे 2 गुना 5 केट हो है 2 बार और 1 केट हो है 2 केट हो 1 तो है तो आ गया 2 और 5 में, तो क्या हो गया ये सम। ठीक है अब देखेंगे 10 नंबर, कितना है 77 बटे 210। ठीक है अब 77 बटे 210 है तो 210 को तोड़ लेना, 210 को 2 से कितने बार में 105 बार में आएगा और 5 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, लो इसका खेला हो गया यार। क्या है 2 3 5 7 आ गया ना, 2 3 5 7 आया, तो ये शांत होगा क्या, क्योंकि ये दोनों के अलावा ये तो है ये भी आ गया 3 और 7 तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा आसान। तो इस तरह से शांत और अशांत आवृत्ति को पहचानने का तरीका, ठीक है ना। इसी तरह से इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा और फिर चलेंगे अगला क्वेश्चन है 2 नंबर 3 नंबर, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं 2 नंबर क्या बोलता है। इसमें 2 नंबर में बोला गया है कि ऊपर दिए गए, लीजिए ऊपर, ये ऊपर वाला, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इसमें जो जो शांत बताया ना, बताए कि नहीं, तो शांत वाले को क्या करना है उसका दशमलव प्रसार निकालना। मान लिया कि ले लिए कि 17/8 2 नंबर का शांत था, जो जो शांत है 1 नंबर का भी शांत था कि नहीं, 1 नंबर वाला भी क्या था शांत है। तो दशमलव प्रसार निकालने का क्या तरीका है कि नीचे वाले से भाग दे देना है ऊपर में, 2 बार में कितना आया 16, 1 पॉइंट के बदले 0, 1 बार में 8, 2 पॉइंट के बदले 0, 2 बार में 16, फिर 4 बचा पॉइंट के बदले 0, 5 बार में कितना आया, इसको जब भाग दिए जैसे 17/8 को, तो 17/8 को जब भाग दिए कितना आया 2.125, यही हो गया दशमलव प्रसार। क्या हो गया दशमलव प्रसार। तो जो जो शांत है उसका निकालना है, किसका निकालना है, जो शांत है उसी का निकालना, अशांत वाले का नहीं निकालना। निकल ले बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है।